का दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग NCERT क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 और सीटेट के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में, यानी हमारे दैनिक जीवन के चारों ओर जो डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, हम लोग आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, वहीं पे आपके क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। आप लोग देखेंगे कि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, तभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले गेहूं कटाई की होगी, तभी खेत खाली होगा। जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी, आप लोग जुलाई में धान लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठंडी में फिर आप लोग गेहूं बोना स्टार्ट कर देते हो। तो हम लोग हमेशा फसल कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, समय अनुसार जो फसलें हैं बदलती रहती हैं। इसी को हम पत्तियों के रंग बदलते रहते हैं, सूख कर पेड़ों से गिर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों का रंग भी बदलता रहता है, कभी पत्ते हरी रहेगी, जैसे जैसे गर्मी आती है पतझड़ आती है पत्तियाँ सूख कर गिरने लगती हैं, पीला पड़ जाती हैं पत्तियाँ, तो पत्तियों का रंग हमेशा बदलता रहता है। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा सुबह फूल खिलते हैं, दोपहर तक वही फूल मुरझा जाते हैं। तो फूल का खिलना मुरझाना अभी दैनिक परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है, जैसे पत्तियों का रंग बदलना, दूध से दही बनना, आटे को गूंथना आदि। तो परिवर्तन जो होता है, किसी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है, जैसे पत्तियों का रंग बदलना, दूध में दही बनना, आटे को गूंथना आदि, ये सभी एक परिवर्तन कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो हम लोग पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें क्या होता है, परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों ने कभी देखा होगा घर में गेहूं का आटा जब साना जाता है, आटे को सान के जब रोटी बेली जाती है, रोटी ख़राब हो जाती है, उसको फिर से करके फिर से बेल के फिर से रोटी बना ली जाती है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बर्फ़ पिघल जाती है, फिर उसको आप ठंडे टेम्परेचर में रख दीजिए, फिर बर्फ़ बन जाती है। तो परिवर्तन हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ पदार्थों को गर्म या ठंडा करके मिश्रित परिवर्तन करते रहते हैं। उसके बाद आता है उत्क्रमित। जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जाता है या उत्क्रमित किया जाता है तो इसे उत्क्रमी परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में बर्फ़ का पिघलना, कागज का मोड़ना, पानी से भाप बनना, मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। जो नहीं किया जा सकता, जैसे सीमेंट को जमने के बाद उसे उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ना ही कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं, प्रश्न यह बनता है। तो उत्क्रमित परिवर्तन जो होता है, ऐसे परिवर्तन जिनका पुनः अवस्था में लाया जा सके, या ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः उसी रूप में लाया जा सके, उसको हम लोग उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग फिगर के माध्यम से देखिए, जब घर में माताएं आटा सानती हैं, रोटी बनाती हैं, तो रोटी जब ख़राब हो जाती है तो रोटी को क्या आप फिर आटे के रूप में नहीं ला सकते, सान के जैसे आटा रहता है, जिसको फिर से गोल गोल आकार में करके रोटी को पुनः आटा के रूप में लाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता हो, उसको हम लोग उत्क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद जैसे आटे को लोई को बेलकर रोटी बनती है, इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आटे की लोई से रोटी बन जाती है, रोटी को फिर से पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है, इसी को हम लोग उत्क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। प्रसार क्या होता है, जब कोई वस्तु गर्म होने पर फैलता है या पिघलने लगता है तो इसे प्रसार कहते हैं। जैसे आप लोग मोमबत्ती जलाते होंगे, जब मोमबत्ती जलती है धीरे धीरे देखो मोमबत्ती छोटी होने लगती है, गर्म के कारण पिघलने लगती है, इसी को हम लोग प्रसार बोलते हैं। जब कोई वस्तु गर्म होने लगती है तो अब फैलता या पिघलता लगता है, इसी को हम लोग प्रसार कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है संकुचन क्या होता है। तो संकुचन क्या होता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे हम लोग संकुचन कहते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही हम लोग संकुचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है।
आवर्ती परिवर्तन क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है उसको हम लोग आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज फिर छिप जाता है, सुबह धूप निकलती है, शाम को धूप चली जाती है, तो कैसा परिवर्तन है, या आवर्ती परिवर्तन है। जो डेली नियमित अंतराल पे परिवर्तन होता रहता है उसको हम लोग आवर्ती परिवर्तन बोलते हैं। जैसे रोज़ सुबह सूरज का उगना क्या है, आवर्ती परिवर्तन है। रोज़ शाम को चांद का निकलना क्या है, आवर्ती परिवर्तन है। ठीक, तो इसको हम लोग आवर्ती। अनावर्ती परिवर्तन क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको हम लोग अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। ठीक, गलन, गलन क्या होती है, किसी ठोस को ऊष्मा देने रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को गलन कहलाती है। किसी वस्तु का निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। जैसा आप लोगों ने बर्फ़ को देखा होगा, बर्फ़ को जब आप लोग बाहर निकालते हैं गर्म टेम्परेचर पे तो बर्फ़ पिघलने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग गलन बोलते हैं। ठीक, वाष्पन क्या होता है, अगला पॉइंट बनता है वाष्पन क्या होता है। तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है अर्थात ताप दिया जाता है तो वह तत्व या यौगिक अपनी द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो द्रव का वाष्प अवस्था परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वहीं वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है। जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है अर्थात ताप दिया जाता है तो यह तत्व या यौगिक अपनी द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन को हम लोग वाष्पन कहते हैं। वहीं वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम हो जाता है तथा जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता जाता है और जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, इसी को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। जैसा कि आपको फिगर के माध्यम में दिखाया होगा, सूर्य का प्रकाश जब पानी पर पड़ता है तो पानी भाप बन के ऊपर बादल बनता है, बादल के बाद वर्षा होने लगती है, इसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं। ठीक, तो आज का लेसन यहीं तक था। आइए एक बार इसका हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। तो हमारे चारों ओर के जीवन में हमेशा कुछ ना परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, ठंड में गेहूं की खेती होती है, गर्मी जैसे आती है बरसात के सीजन में जून जुलाई में आप लोग धान की खेती करने लगते हैं, तो या खेतों में फसलें पत्तियाँ रंग बदलती हैं, जब भी बरसात का सीजन आता है पत्तियों का रंग फिर हरा होने लगता है, और वहीं अप्रैल मार्च से अप्रैल में पतझड़ आ जाती है गर्मी में अप्रैल में तो पत्तियां गिरने लगती हैं तो पत्तियों का भी रंग बदलते रहता है। फूल जो है सुबह खिलता है दोपहर तक फिर मुरझा जाता है, तो यह भी एक परिवर्तन है। तो किसी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है। जैसे पत्तियों का रंग बदलना, दूध से दही बनना, आटे को गूंथना आदि एक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, पत्तियों के भी कई कई अलग अलग रंग होते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जाता है तो उसको उत्क्रमित किया जाता है तो इसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण बर्फ का पिघलना, कागज़ का मोड़ना, पानी से भाप बनना, मतलब परिवर्तन किया जा सकते। जो नहीं किया जा सके, जैसे सीमेंट के जमने के बाद उसे उसी अवस्था में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता ना, तो यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कागज़ को मोड़कर फिर कागज़ को रूप में पुनः लाया जा सकता है। बर्फ पिघल जाए तो फिर उसको बर्फ के रूप में लाया जा सकता है। पानी से भाप बनना फिर वही बर्फ के पानी के रूप में आ जाता है, इसको हम लोग उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है उसको हम लोग उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आटे की लोई को बेलकर रोटी बनती है और फिर रोटी को लोई के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रसार क्या होता है। जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे हम लोग प्रसार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब दीपावली पे मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती है तो धीरे धीरे मोमबत्ती जैसे जलने लगती है तो पिघलने लगता है, गर्म के कारण फैलता है और पिघल जाता है और धीरे धीरे मोमबत्ती खत्म हो जाती है, इसी को हम लोग प्रसार कहते हैं। जब संकुचन क्या होता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है, ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे हम लोग संकुचन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा आवर्ती परिवर्तन, वह परिवर्तन जो नियमित अंतराल समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है उसको हम लोग आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे सुबह सूरज का निकलना, शाम को सूरज का अस्त होना,
ठीक, शाम को चांद का दिखना, ये सब एक नियमित अंतराल पे पुनरावृत्ति इनकी होती रहती है, तो इसको हम लोग आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अनावर्ती परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको हम लोग अनावर्ती परिवर्तन बोलते हैं। गलन क्या होता है, जब पल्प पिघलने लगती है तो उसको हम लोग गलन कहते हैं, गलने लगता है। ठीक, ठोस या अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। वाष्पन क्या होता है, जब किसी द्रव्य को गर्म किया जाता है अर्थात ताप दिया जाता है, तो अतत्व या यौगिक अपनी द्रव अवस्था में वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन को हम लोग वाष्पन कहते हैं। वहीं वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है, तथा जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण का भी मान बढ़ जाता है, और जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। ठीक, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे, जब सूर्य का प्रकाश नदी या समुद्र के तल में पड़ता है तो नदी का पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वही बादल बन जाता है, और उसी को वर्षा बोलती है। इसी क्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं, इवेपोरेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए आप लोग निरंतर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर सीटेट यूपीटेट एवं बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। निरंतर आप लोग एनसीईआरटी की फिल्टर सीरीज यानी निचोड़ सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।